It can be iPhone or Nokia or Android, no matter. Subscribe your channel and press the bell icon to be the part of your notification spot. उस दिन मैंने कहानी लिखी थी जो कि मैंने अपने पेन ड्राइव में डाली थी और उस पेन ड्राइव को मैं अपने स्टूडियो में ले जाने वाला था। उस समय 9 बज रहे थे जब मैंने अपने पेन ड्राइव अपने कमरे के डेस्क पर रखी। उसके बाद मैं नीचे आ गया। जब मैं पेन ड्राइव को लेने के लिए अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरे कमरे की खिड़की टूटी हुई थी और मेरी पेन ड्राइव गायब थी। उसके बाद मैंने कमरे में इधर उधर अपनी पेन ड्राइव को ढूंढने की कोशिश करी पर पेन ड्राइव नहीं मिली। फिर मेरे फ़ोन के ऊपर फ़ोन आता है अननोन नंबर से, उसमें से एक आवाज़ आती है और एक शख्स उसमें से बोलता है कि तुम्हारी पेन ड्राइव मेरे पास है, अगर तुम्हें तुम्हारी पेन ड्राइव चाहिए तो तुम मुझे रात के 10 बजे अकेले गधा पुलिया के नीचे आके मिलो। उसके बाद मुझे एक मैसेज आया कि तुम अपने साथ 10 करोड़ रुपए लेकर आए। मैंने 10 करोड़ रुपए अपने बैग में लिए और पुलिस स्टेशन चला गया। वहाँ पर जाकर मैंने पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने पुलिस को यही बताया कि मेरी कुछ समय पहले ही एक कंपनी वालों के साथ लड़ाई हुई थी और वो मेरी इस कहानी को चुराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे उन कंपनी वालों को पर शक है। मुझे लगता है कि वही कंपनी वाले ने मेरी पेन ड्राइव चुराई जिसमें मैंने अपनी कहानी लिखी थी। उसके बाद पुलिस वालों और मैंने बैठकर एक प्लान बनाया जिसके हिसाब से पुलिस वाले बाहर अपनी बंदूकें लेकर चोर का इंतज़ार करेगी और मैं 10 करोड़ रुपए लेकर चोर के पास जाऊंगा। मैं बैग लेकर अंदर गया। मैंने अपने चारों ओर देखा कि वहाँ पर गुंडे ही गुंडे और सामने चोर था जिसने मेरी पेन ड्राइव चुराई। चोर ने मुझे पेन ड्राइव दी और मैंने उसे पैसों से भरा बैग दिया। चोर जैसे ही बैग खोलने लगा था मैं वहाँ से 9:11 हो गया। इसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकला। मेरे बाहर निकलते ही चोर के साथ वाले गुंडे ने भी मेरा पीछा करा और वो भी मेरे साथ बाहर निकला। पुलिस वालों ने गुंडों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग ख़त्म होने के बाद जब पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की तो उन्होंने देखा कि वहां पर सिर्फ गुंडों की ही लाश थी, वहां पर चोर की लाश नहीं थी। शायद वहां से चोर चुपके से भाग गया। पर जो भी, आखिर में पेन ड्राइव सही हाथों में है। हेलो, कौन? हाँ, कहाँ पर? नाना खेड़ा स्टूडियो में।
स्वागत है तुम्हारा इस ग्राउंड में, पहचाना नहीं क्या? तू यहाँ फिर से, अब क्या चाहता है तू मुझसे? यहाँ तो तुम आ तो गए पर यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अब क्या फायदा, पेन ड्राइव स्टूडियो में जा चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? इससे पहले कि मैं यहाँ पुलिस बुलाऊं, तुम यहाँ से भाग जाओ। कहा था कि पेन ड्राइव देखकर वापस निकल जाओ, लेकिन अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाओगे। गेम इज ओवर। मैंने पहले ही कहा था पेन ड्राइव देखकर वापस निकल जाओ यहाँ, लेकिन अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाओगे। गेम इज ओवर, तुम्हारा टाइम खत्म। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तुझे पैसा चाहिए, अब तुझे पैसा ही पैसा मिलेगा। तुम्हारे में दम बहुत है पर हमारे जैसा जिगरा नहीं। जज्बा तो हमारे देती है पर तुम्हारी तरफ बेईमानी नहीं करते हूं।